चंदन क्या के विभिन्न गांव में इन दिनों आई फ्लू की बीमारी बढ़ी ही तेजी से फैल रही है। आंख में होने वाले संक्रमण की वजह से लोग परेशान हैं। लोग आई फ्लू का इलाज कराने के लिए अस्पतालों और डॉक्टरों के पास जा रहे हैं। चंदन क्यारी में आई फ्लू बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित स्कूली बच्चे हो रहे हैं। सीएचसी प्रबंधन ने स्कूल संचालकों से अपील की है कि आंखें लाल होने, जलने या खुजली होने पर बच्चों को स्कूल नहीं भेजने की सलाह दी है। साथ ही आई फ्लू या कंजक्टिव आई से बचाव के लिए आंखों की सफाई के साथ साथ आंख को ठंडे पानी से बार बार धोने की सलाह दी है। सुबह से तो कैसे हुआ यहाँ और बच्चे लोग हुआ था हुआ था इसके कारण से हो गया ना कि? जी आपका कहना बिल्कुल सही है। अभी जिस तरह का मौसम है उसी हिसाब से अभी आँख का लाल होना और कंजक्टिवाइटिस होना ये बहुत ही मैंने साधारण हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा में मात्रा में मरीजों का आगमन भी हो रहा है मेरे यहाँ। ये एक चिंता का विषय तो है लेकिन मैं आप जनता को ये बताना चाहता हूँ कि ये एक सीजनल बीमारी है जो कि इस मौसम में वायरस या बैक्टीरिया की वजह से ऐसा होता है। ये तो हम लोग देख रहे हैं कि दो चार दिन में कुछ बच्चे का आँख आ रहा है, घर को बच्चे चश्मा पहन के भी आई है। हम लोग सलाह दिए हैं कि देखो अभी मौसम चल रहा है इस तरह का तो दवाई वाई लो या फिर ऐसा डिजीज है तो एक दो दिन घर में गार्जियन से दिखाए इसको डॉक्टर से। हम लोग भी अपना स्तर से जितना होगा आगे देख रहे हैं व्यवस्था करेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।